हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग सब कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। आज मैं आपके साथ एक सुंदर सा टॉपिक लेकर आई हूँ। खाना बना बना लेते हैं, बाद में बातें करेंगे। तो सुबह नहा धोकर आ गई हूँ, तो अब मैं पहले चाय बनाऊँगी। नहा धोने के आने के बाद मैं फटाफट थोड़ी सी आलू को बॉयल कर लेती हूँ, क्योंकि लंच डिनर सबके टाइम थोड़ी सी आलू की ज़रूरत होती है। तो थोड़ी सी आलू को हम बॉयल करके रख लेते हैं तो थोड़ी सी काम भी हमारी आसान हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने दो लोग के लिए चाय बना रही हूँ। सुबह सुबह ठंड में नहा धोकर आने के बाद एक कप चाय तो ज़रूरी चाहिए। तो यहाँ पर कपड़े भी मैंने धुलने के लिए मशीन पर डाल दी थी। मैं मशीन पर, मेरी सेमी ऑटोमेटिक मशीन, लेकिन फिर भी मैं यहीं पर धो लेती हूँ, सुखा लेती हूँ। हाथ में कपड़े धोने में थोड़ी सी मेरे हाथ में दर्द होती है, इसी वजह से सारी काम मैं इसमें कर लेती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मेरी चाय भी बन चुकी है। दूध की जो बर्तन कल की थी, तो इसी से थोड़ी सी दूध नीचे लग जाती है ना, मलाई वाली मलाई, पतली पतली मलाई लग जाती है। तो इसी वजह से सारी मलाई को मैंने इकट्ठा करके चाय बनाने के बाद डाल दी। अब थोड़ी सी उबाल दूंगी। एक उबाल आने के बाद चाय निकाल कर हम पी लूँगी। भी ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो जैसे मलाई वाली चाय ही बन जाती है आराम से। ज़्यादातर लोग तो हम उसको धोकर साफ़ कर लेते हैं माँजते समय, लेकिन इस तरह करने से हमारी चाय भी थोड़ी सी टेस्टी बन जाती है। तो मैं आपके साथ एक सुंदर सा टॉपिक आज बताऊँगी, घर को कौन संभालता है, कौन गुजारता है, इसी टॉपिक को लेकर बातें करेंगे। ये तो सब हमारे ऊपर डिपेंड करती हैं, लेकिन हमको क्या करने चाहिए जो हमारी घर को संभाल कर हम रख सकते हैं और घर को बिगाड़ भी सकते हैं। तो हमारी हाथों में सब कुछ है ना, तो आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ी सी छोटे छोटे टिप्स बताऊँगी। जो मैं एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ, छोटी परिवार से आई थी, लेकिन मेरी ससुराल थोड़ी सी बड़ा है, लेकिन इसके बाद भी हम कैसे मिलजुल कर रहते हैं, थोड़ी सी टिप मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। तो देखिए, यहाँ पर मेरी सब्जी मैंने काट चुकी हूँ। सब्जी काटने के बाद फटाफट खाना भी बना लेंगे। तो हाँ, टॉपिक पर आ जाते हैं। क्या होता है कि जब हम घर में हाउस वाइफ यानी गृहिणी हो कि आपकी वर्किंग लेडी जो कोई हो, सब हमारी ऊपर घर की सारी मेंबर डिपेंड करते हैं। घर में अकेला हो तो ठीक ठाक सब अपने को करना ही पड़ता है, लेकिन जो मिलजुल कर रहने से जितना आसान होती है ना, इतना भी आसान नहीं होती है सबको मन को लेकर चलना, क्योंकि थोड़ी सी गलती भी हो जाती है। थोड़ी सी हम नेगेटिव में, कोई भी बात को हम नेगेटिव ले जाते हैं तो सारी चीज़ बिखर जाती है, लेकिन सारी चीज़ हम पॉजिटिव के ले लेते हैं तो सारी काम भी आसान हो जाती है। घर में चार लोग रहते हैं तो बर्तन की तरह खड़खड़ होता रहता है। इसी वजह से किसी की बात को ज़्यादा बुरा मत मानना। आपको एक बात को हम दो अर्थ में भी समझ सकते हैं, तो सारी चीज़ को आप धीरे धीरे समझना स्टार्ट कीजिए। देखिए, यहाँ पर मेरी डालमा भी बन चुकी है। अब मैं बनाऊँगी करेला की सब्जी, सूखी सब्जी बनाऊँगी। यहाँ पर ऑयल गरम करने के पर डाल दी थी, ऑयल जीरा चटक चुका है। तो जीरा चटकने बाद मैं इसमें डाल दूँगी करेला और आलू। इसमें नमक हल्दी देकर फ्राई होने के लिए छोड़ दूँगी, यानी सब्जी बनने के लिए छोड़ दूँगी। यहाँ पर आ जाती हूँ। काउंटर टॉप को थोड़ा सा साफ़ कर लेने से हमारे काम भी आसान हो जाता है, बाद में हमको और किचन को साफ़ करने के लिए नहीं पड़ेगा। लेकिन केयरफुल से कीजिए, मेरी आदत हो चुकी है। तो खाना बनाते बनाते मैंने इस तरीके की थोड़ी सी कपड़ा लगा लेती हूँ, तो मेरी गैस भी साफ़ हो जाती है, ज़्यादा मेहनत करने के लिए नहीं पड़ती है। तो ये देखिए, यहाँ पर मेरे काउंटर टॉप भी साफ़ हो चुका है, झाड़ू भी मैंने किचन में लगा चुकी हूँ। अब आती है बारी आती है बर्तन धोने के लिए। यहाँ पर खाना भी बन रहा है, साथ में बर्तन भी धुल लेंगे, बातें भी करेंगे। तो क्या होता है कि हम जब घर में मिलजुल कर रहते हैं, कोई ना कोई चीज़ को लेकर कभी कभी मनमानी तो हो जाती है, लेकिन आप लोग क्या करते हैं ना, सब अपने अपने बेडरूम में चले जाते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, लेकिन आपस में बातें नहीं करते। लेकिन हमारे घर में यानी मेरी ससुराल में क्या होती है कि हम सब तो कोई ना कोई जुड़जाट हो जाती है, ऐसे नहीं कुछ नहीं होती है, सब मिलजुल कर इकट्ठा होते हैं हम खाने के टाइम। आप लोग जब खाना खाते हैं ना, सब ये मिलजुल कर खाना खाना आदत में लगा लीजिए। तो जब हम खाना खाते हैं ना, खाने के बाद सारी गुस्सा कहाँ से चला जाता है पता नहीं चलता है। इसी टाइम में थोड़ी सी
बातें भी करना स्टार्ट कर लीजिए, जैसे आपके खाना आज कैसे बना है, आप लोग क्या बनाने से आज अच्छा होती, इस तरह इधर उधर घुमा फिरा कर बात कर लीजिए। जो लोग गुस्सा में थे वो तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी उनके मन में थोड़ी सी हलचल होती रहती है, हमें कुछ बोल दूंगी ऐसे सोच सोच कर कुछ ही बोल देते हैं। तो हमारे ऊपर सब कुछ डिपेंड करती है, हम घर को सुधारना चाहते हो घर सुधार सकते हैं, हम उजड़ना चाहते हो तो उजड़ भी सकते हैं। तो हमारी सब आदत को सजाना, क्योंकि हमारी मायके में हमको इतना ही सिखाया जाता है कि हम जो जहाँ भी जाओ हमारी इज्जत को दांव पर मत लगाओ, सब मिलजुल कर है, जैसे बोलेंगे हाँ इसकी परवरिश ठीक से हुआ था। सारी चीज़ें हमारी माँ बाप की तरफ चले जाती हैं, क्योंकि मायके से हम छोटे से बड़े होते हैं, जो कुछ सीखना होती है हम मायके से ही सीखते हैं। माँ बाप हम जैसे हमको चल सिखाते हम ऐसे ही सीख लेते, थोड़ी सी बात उनकी चाल चलन से हम सीख लेते हैं। फिर भी हमको थोड़ी सी सोचना भी पड़ता है, क्योंकि हम बड़े हैं, हमारी अंदर कुछ बुद्धि भी है, हम भगवान हमको समझने के लिए आंखें दिए हैं, कान दिए हैं, तो देख सकते हैं सुन सकते हैं। सबको देखते सुनते हुए थोड़ी सी हमारी जिम्मेदारी भी बनती है, हम किस तरीके की हम घर को मैनेज करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग ठीक कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वच्छ होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। तो मैंने सोचा था और कुछ नहीं बनाऊंगी, लेकिन देखते हैं यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। ढेर सारे सीढ़ी बनाकर हमारे गार्डन में हुआ था तो लेकर आए थे, मैंने सोचा खराब हो जाएगा, उसकी वजह से मैं इसकी चटनी बना लेती हूँ, जिससे कितनी सुंदर दिख रहा है ना। अब हम उसका बनाएंगे मिर्ची चटनी। तो अभी गर्म होने के बाद सूखी लाल मिर्च, अब हम डाल देंगे जीरा, करी पत्ता। घर में आपस में बैठकर बातें करना भी आदत बना लीजिए, थोड़ी देर के लिए हो तो बैठ जाइए सब लोग मिलकर। तो घर की हम जितने औरत होती है यानी महिलाएं होती है, हम कि मन इकट्ठा हो जाए तो घर में कोई भी दरार नहीं आती है। हम जितने घर में महिला हम सब बैठकर दिन में 10-15 मिनट बात तो करना चाहिए। खाने के टाइम थोड़ी देर बात कर लीजिए, शाम को बैठकर थोड़ी देर बात कर लीजिए, खाना बनाने के टाइम भी मिलकर बनाइए, वो किचन में थोड़ी सी बातें भी करते रहिए। टाइम कहाँ पर चला जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, आपके पास कौन चीज़ है कौन चीज़ नहीं है वो बात बड़ी बात नहीं है, लेकिन मिलजुल कर रहना और कोई भी विपत्ति आ जाए तो सबको मिलकर संभाल लेना अच्छी बात है। जब जॉइंट परिवार में यानी जॉइंट परिवार में हम सब रहते हैं तो कितनी आसान होती है लाइफ, ये लोग जो लोग रहते हैं उनके ही पता होती है, जो लोग अकेला अकेला रहते हैं उनको तो कुछ पता नहीं चलेगा। इतनी टेंशन में रहती है कि आजकल देखिए घरेलू हिंसा भी बढ़ चुकी है, ज़्यादातर सुइसाइड की केस भी आ रही है। इसी वजह से आप लोग मिलजुल कर रहना सीखिए, पास में सास ससुर जेठानी देवरानी और नाना सब मिलकर रहने से घर बिल्कुल खूबसूरत हो जाती है, जैसे स्वर्ग बन जाती है हमारी घर। तो मैं तो यहाँ पर देवर और ननंद के पास ही रहती हूँ, मिलजुल कर रहती हूँ। तो आज की छोटी सी वीडियो शायद आपको पसंद आए, प्लीज़ मुझे कमेंट करने के लिए मत भूलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह छोटी छोटी वीडियो आपके पास डेली आकर पहुँच जाएगा, आप सपोर्ट करेंगे तो इस तरह की छोटी वीडियो मैंने डाल पाऊँगी।